देते हैं। कुकर में हमने पानी लिया और 1 kg इसमें इलायची डाल दी और इसमें मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग भी डाल दी, साथ में सॉल्ट और रेड चिली। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और कुकर को बंद कर दे, तकरीबन 20 मिनट के लिए बॉईल होने दें। अब कलेजी बॉईल हो चुकी है और मसाला जात को इसमें से अलग कर लें और कलेजी को अलग से निकाल के रख दें। 1 कप ऑयल लिया, इसमें चॉप प्याज डाली और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है तो इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चॉप टमाटर, रेड चिली, सॉल्ट, पेपर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल लें और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। कलेजी को जूसी एंड क्रीमी करने के लिए इसमें 1 कप योगर्ट डाल लें। योगर्ट ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। योगर्ट ऐड करते हुए फ्लेम लो कर लें। अब इसमें बॉईल की हुई कलेजी ऐड कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि कलेजी बहुत ही अच्छी गली होनी चाहिए, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई होने दें। कलेजी का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे जो कलेजी का निकला हुआ पानी था, तकरीबन 1 गिलास है। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लें और लिड से कवर कर दें ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट। आफ्टर 5 मिनट मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये ग्रेवी अभी थिक नहीं हुई है, इसलिए इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लें। वाओ, बहुत ही मज़ेदार कलेजी तैयार है। अब इसको आप सर्व करें और इन्जॉय करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।